तो नींद से उठने के बाद मैं जस्ट चेक कर रहा था अपना यूट्यूब स्टूडियो में जाके कि कौन सा व्लॉग मेरा ज़्यादा चला है, कौन सा व्लॉग मेरा कम चल रहा है, एनालिटिक्स चेक कर रहा था। तो सब कुछ देख के मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा गेस्ट जो पसंद कर रहे हैं, मतलब मेरा सब्सक्राइबर जो पसंद कर रहा है, वो है कि ट्रैवल व्लॉग। सो अभी से मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मैं ट्रैवल व्लॉग में इंटरेस्ट ज़्यादा दूँ और ट्रैवल व्लॉग से ज़्यादा करूँ, लेकिन डेली व्लॉग भी, मतलब डेली व्लॉग भी मैं बंद नहीं करूँगा। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 9:48, मतलब सुबह हो चुका है। और अभी प्यू मेरे को बोला कि जल्दी से उस घर जाओ, मेरा बहन वेट कर रहा है, तुमको राखी पहनाएगा करके। वो अभी खाया नहीं कुछ भी, तो मैं बोला ठीक है चलो जाते हैं, जाके राखी पहन लेते हैं। तो मैं फटाफट उठ गया, फ्रेश हो गया, अभी सिर्फ ड्रेस करना है, उस घर जाना है, राखी पहनना है। सो फर्स्ट राखी प्यू का बहन ही मेरे को पहनाएगा। एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया कि हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। एक चीज़, मेरा ये वाला कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि मेरा जो माइक है ये नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ है, लेकिन इसमें और एक चीज़ ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है और एक चीज़ के साथ, जो है कि इसमें जो साउंड कैप्चर हो रहा है वो थोड़ा सा, मतलब कैसा बोलेगा, थोड़ा मतलब एक घिस घिस साउंड आ रहा है, मतलब कुछ ईयर का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसमें ऑप्शन है वो वाला ए को मिटाने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ये माइक जो है बहुत ही अच्छा है, माइक जितना दूर में रखो मतलब साउंड कैप्चर कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि साउंड अगर बाहर का साउंड, मेरा साउंड से ज़्यादा बाहर का साउंड कैप्चर कर रहा है ना, तो उसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा साउंड कैप्चर करने से आपको सुनाई भी अच्छा देगा। सो इससे पहले जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसको मैनुअल मोड पे रखा, अभी मैं इसको ऑटो मोड पे रख के एक बार चेक कर रहा हूँ कि इसका साउंड वैसा सेम आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। थोड़ा सा तो फ़र्क मेरे को नज़र में आ रहा है कि थोड़ा सा बाहर का साउंड कम कैप्चर हो रहा है, थोड़ा सा, लेकिन इसको भी अच्छे से करना पड़ेगा तो जाके हो सकता है। मेरे को लगता है माइक में कुछ जुगाड़ और एक लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व हो सकता है। सो ये रहा मेरा राखी का आउटफिट एकदम जो ट्रेडिशनल स्टाइल में था। मैं बेसिकली ये दुर्गा पूजा के टाइम मैंने खरीदा था। सो अभी इसको फिर से निकाला, मैं इसको आयरन किया और एक बार करके ये वाला ठीक हुआ, नहीं तो ये वाला पूरा खराब हो गया था। सो अभी हम लोग छत पे आए थोड़ा अच्छा वाला फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी धूप तो है, धूप है होने के साथ साथ फ़ोटो भी अच्छा आ रहा है, अच्छा मतलब अच्छा तगड़ा क्वालिटी का फ़ोटो आ रहा है। सो अभी हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं। सो दोपहर का टाइम ऑलमोस्ट बीत चुका है, अभी बीत के अभी शाम हो चुका है। शाम का अभी टाइम जो हो रहा है 6:30 अभी टाइम हो रहा है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं प्रिंसेप घाट के लिए। प्रिंसेप घाट बेसिकली यहाँ का पास में ही बोल सकते हो एक नदी किनारा है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लवर्स लोग जाते हैं वहाँ पे, और नॉर्मली आप घूमने के लिए भी जा सकते हो। और वो जो है सेकेंड हुगली ब्रिज के नीचे है, ब्रिटिश का बनाया हुआ एक जगह है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। एक चीज़ मेरे को बहुत ही ख़राब लग रहा है, वो है कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हो लेकिन उस पर लाइक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है। एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ एटलीस्ट थोड़ा तो करो। थोड़ा अगर करोगे, अगर मैं भरूंगा तो आप लोगों को भी और भी ज़्यादा मैं एंटरटेन कर पाऊंगा। जैसे मेरा पहले 100 सब्सक्राइबर था, जिस दिन मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ मैंने आईफोन से ब्लॉग करना शुरू किया, जिस दिन मेरा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ मैं कैमरा खरीद लिया। अब जितना सब्सक्राइबर धीरे धीरे गेन होगा उतना ही तो इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा ना मेरा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक सब्सक्राइबर बटन है, सिर्फ उसको दबा दो और भी ज़्यादा मैं आपको एंटरटेन करूँगा, ये मेरा गारंटी है। सो एट लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं प्रिंसेप घाट के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म करते हुए, सब ताम झाम करते हुए जब हम लोग पहुँचे यहाँ पे, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 8:30। अभी नया कुछ रूल्स लगाए हैं यहाँ पे कि 8:30 तक सब कुछ बंद कर रहा है,
सो अभी ये भी बंद हो रहा है, पूरा खाली हो गया है। अभी पहले ये सब खाली नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ये भी बैरिकेड नहीं था, इसके अंदर भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन अभी सब कुछ बंद कर दिया। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि सेकेंड हुगली ब्रिज के नीचे है, तो ये रहा हम लोगों का सेकेंड हुगली ब्रिज। अभी इसमें लाइट नहीं जल रहा है करके ये थोड़ा सा धीमा लग रहा है, लेकिन ये भी एक मतलब क्या बोल सकते हैं, ये भी एक एंटिक्स है हम लोग का कोलकाता में बेसिकली, और ये तो है ही।